जी मेरे भाई, वो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में सीटों की तादाद के हिसाब से होती है, वो पार्टियों की तादाद के हिसाब से नहीं होती। पार्टियां तो टांगा पार्टी हैं, एक एक बंदा बैठा हुआ है उसमें, आगे फजल रहमान साहब बैठे हुए हैं और पीछे जरदारी साहब जो है वो चाबक लहराते हुए लोगों को डरा रहे। फ़र्क कोई नहीं पड़ता इनसे, ये जितने भी ज़्यादा हों, ये तहरीक इंसाफ की क़ुव्वत का, इंसाफ तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का और तहरीक इंसाफ का जो रिकॉर्ड है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस कहते हैं यार, अदालत का ऑप्शन भी उनके जेरो है अपोजिशन पर। अगर अदालत चले जाते हैं, आप समझते हैं कि आपका स्टैंड इतना मजबूत है कि अदालत असेंबली की रेजोल्यूशन के हवाले से कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं देगी? हमारा स्टैंड आइनी लिहाज से, कानूनी लिहाज से, जमहूरी लिहाज से, पार्लिमानी लिहाज से बिल्कुल मजबूत है। बिल्कुल ये तमाम जो मैंने आपको डिसिप्लिन्स बताए हैं, जो तमाम मैंने आपको आपके सामने नाम लिए हैं, ये सब हमें इख्तियार देते हैं कि हमने जो फैसला किया उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन अगर अदालत कोई और बात सोचती है तो अदालत की मर्ज़ी है, अदालत के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बहरहाल अदालत को मेरा ये मशवरा ज़रूर होगा कि वो हमारे मामलात में ज़्यादा वक्त क्या कहते हैं सर्व करने की बजाय लोगों को इंसाफ की फरहमी पर तवज्जो दें। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू।